ढाई दिन के झोपड़े के बारे में आपने कहीं सुना, पढ़ा या देखा जरूर होगा। तो दोस्त, आइए जानते हैं कुछ बातें। यह किसी जमाने में एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था और इसी विद्यालय के परिसर में एक भव्य मंदिर था जिसमें माता सरस्वती का वास था। इस मंदिर की बनावट इतनी भव्य थी कि किसी का भी मन मोह ले। बात 1192 की है, जब मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस भव्य मंदिर को एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। यह राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। आज भी आपको उस मस्जिद के स्तंभों में हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों के अवशेष मिल जाएंगे। तो दोस्त, अगर आप भी इस संस्कृत महाविद्यालय के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ढेर सारा कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।